जो भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, आज 1 दिसंबर डेट है, नगर निगम चुनाव के आज परिणाम घोषित हुए हैं वार्ड परिषद के। हमारे उम्मीदवार श्री विजयेश्वर त्यागी जी, हमारे विजयेश्वर त्यागी जी वार्ड 63 के उम्मीदवार है, जिनका चुनाव चिन्ह तराजू आज परिणाम घोषित हुए। जहाँ पे मतगणना हुई, हम वहाँ मतगणना स्थल पर सभी मौजूद थे, एक एजेंट भी और हमारे उम्मीदवार भी। जब वार्ड 63 के बूथ संख्या 695 से मतगणना हमारे सामने हुई, हमने वहाँ के परिणाम देखे तो हम उससे बड़े असंतुष्ट हुए। हमारी असंतुष्टि का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वार्ड 63 के 695 बूथ पर जो कि यहाँ की मतगणना की जो संख्या है 1300 कुछ की संख्या है, उसमें से हमारे उम्मीदवार के घर की जो वोट हैं 14 वोट हैं और इनके जो संबंधी हैं उनकी वोट मिला लगभग 100-150 वोट हैं, जिसमें से मात्र 4 वोट हमारे उम्मीदवार को मिली है। सिर्फ एक छोटा सा जवाब जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे उम्मीदवार के घर वालों ने भी उन्हें वोट नहीं दी? और मैं अभी कुछ समर्थकों से मिलवाता हूँ जो उसी वार्ड के उसी ब्लॉक में रहते हैं, K2 के निवासी हैं, जिनकी वार्ड संख्या 695, जिन्होंने अपना अधिकार दिया, अपने मत दी। आइए मैं मिलवाऊंगा अपने कुछ भाइयों से। हमारे कपिल भाई, भैया आपने जो वोट दी है आप बता सकते हैं? वोट दिया हमने 10 वोट दिए पूरे परिवार ने तराजू पे, और हमारे पूरे K2 में 4 वोट आई है, जबकि हमारे K2 की 1 वोट पूरी तराजू पे पड़ी है, पूरे मोहल्ले की वोट तराजू पे पड़ी है, मेरी खुद की वोट तराजू की गायब हो चुकी है, मेरी वाइफ की, मेरे छोटे भाई की वाइफ की, मेरे छोटे भाई की, मम्मी की, पापी, कोई वोट नहीं दिखाई दिए, मात्र 4 वोट मशीन में आ रही है। अब आगे भी मैं अपने भाइयों से मिलवाना चाहूंगा, हमारे और भी भाई जिन्होंने पूरे तन मन धन से मेहनत करी है इस चुनाव में, वार्ड नंबर 63 से बूथ नंबर 695 के मतदाता हैं ये, इनका परिवार का मतदाता है, अपना मकान नंबर बता के बताएं आपने किसको वोट करिए। मैं वार्ड 63 का वोटर हूँ, मैंने मेरे घर की 3 वोटे हैं, तीनों की तीनों वोटे विजयेश्वर त्यागी जी को हमने दी है तराजू के निशान पर। आप ये बताइए कि हमारी वो 3 वोटे कहाँ गई जो हमने तराजू को दी है? मैं इस बात को चैलेंज कर सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट में भी, जिस तरीके से करवाना चाहे करवा सकते हैं। बेईमानी कर रही है बात। हमारे बीजेपी की गड़बड़ है सारी, बीजेपी वालों ने सारी हंगलेबाजी करी है, हमारी सारी वोटें गायब कर दी। आप हमें ये बताइए कि हमारी वोट कहाँ गई? हमारे भाई जैसे सभी रुष्ट हैं यहाँ पर, हमारे मोहित जी बताना चाहेंगे। मेरा नाम मोहित कुमार त्यागी है, ये मेरा वोटर कार्ड है। मेरे घर में 9 वोटें हैं, 9 की 9 वोटें मेरी तराजू पर गई हैं। मेरी वो वोट कहाँ गई मुझे ये बताया जाए। मुझे अधिकार है इस चीज़ का पूछने का कि आखिर हमारे वार्ड 63 के जो K2 ब्लॉक है उसमें 4 वोट कैसे शो कर सकती हैं, जबकि 9 वोट मेरी अपनी है, मेरे खुद की घर की हैं। मैं उसको चैलेंज कर सकता हूँ और मैं चैलेंज करना चाहता हूँ। मैं अपने जितने भी चाहे वो अधिकारी कोई कितने भी बड़े लेवल पे हो, मैं उसको चैलेंज करना चाहता हूँ। मुझे बताया जाए कि मैं कैसे चैलेंज कर सकता हूँ। मुझे सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का अधिकार है और मैं जाऊंगा और मैं इस चीज को चैलेंज करता हूँ। मुझे बताया जाए कि मेरी 9 की 9 वोट कहाँ गई, मैं इस चीज को दोबारा से उठाता हूँ। ईवीएम में गड़बड़ हुई है, यहाँ पे सारी वोटें जो गई हैं वो बीजेपी को गई है, वो गलत तरीके से गई है। मैं इसको चैलेंज करता हूँ, दोबारा से वोटिंग कराई जाए। अगर चैलेंज करने वाली बात है आप वॉलेट पेपर लेकर आइएगा, यहाँ पे डलवाइए यहाँ पे वोट, हम देखते हैं कैसे इतनी वोट गिनती है। 4 वोट का कोई मतलब नहीं होता, 9 वोटें तो उनके घर की है, 9 वोटें मेरे घर की हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि 4 वोटें डली हैं? वॉलेट पेपर से आप इलेक्शन कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी कराइए आप यहाँ पे आके, अधिकारी लोग सोए हुए हैं, सब कोई मिला हुआ है। बिल्कुल, यहाँ के सभी उम्मीदवार जो भी हैं, यहाँ के मतदाता हमारे हैं, सभी में आक्रोश है। अधिकारियों को तनख्वाह बीजेपी दे रही है, जिसका वो नमक खा रहे हैं उसी की वो कर रहे हैं। अरे इससे तो मेरी जनता से ये अनुरोध है के टोटल बहिष्कार कर दें इलेक्शन का। इलेक्शन का मतलब क्या रहेगा? इसमें कार्रवाई नहीं होती है, आने वाले इलेक्शन में हम पूरा बहिष्कार करेंगे। हम कोई वोट नहीं देंगे किसी को। मेरा नाम सुधीर शर्मा है, K2 2270 मेरा मकान नंबर है। मेरे घर में 4 वोट है, 4 की 4 तराजू पे गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कहाँ का लोकतंत्र है? अगर लोकतंत्र है तो फिर चुनाव क्यों कराया? और चुनाव कराया तो इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह की बेईमानी क्यों करी गई है? अरे तुम कहते हो लोकतंत्र है, अगर इस तरह तो जिसकी सत्ता होगी, जिसका साधन होगा, जो केंद्र में होगा वही चुनाव क्यों कराते हैं? बिल्कुल अपने आप ही पार्षद बना लो, टाइगर लोकतंत्र दिखा रहे हो यहाँ पे। अगर लोकतंत्र दिखा रहा है तो कम से कम ये दिखा लो जो जनता जनता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, जनता के विश्वास को गहरा चोट दी गई है। और मैं पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से और इस सरकार से, क्या यही तुम्हारा प्रशासन है? और ऐसा साधन है तो ऐसे साधन को जनता जवाब देगी। जनता ने तुम्हें चुना है तो जनता तुम्हें उतार के भी फेंक देगी। और मैं वार्ड परिषद से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता हूँ, बहिष्कार करता हूँ। शास्त्री नगर मेरठ बीजेपी चोर है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी मतदाताओं में आक्रोश है, जो एक साथ विश्वासघात किया गया सरकार के द्वारा, सभी रुष्ट हैं।
कि इतनी बड़ी मुहिम जो हमने छेड़ी थी उसका परिणाम हमें ये धोखेबाजी से दिया गया। छोटी सी बात मैं अपने बुजुर्गों से दिखाना चाहूंगा, जो भी यहाँ पे रुष्ट है अपने अपने मतदान अपने आधार कार्ड लेकर खड़े हैं, सब इस चीज का प्रूफ दे रहे हैं कि उन्होंने अपना मत तराजू को देकर विजयी बनाने के लिए दिया था, ना कि ये धोखा खाने के लिए। आगे देख लीजिए हमारे सभी भाई जो खड़े हैं सब देख सकते हैं, हम सब लोग इस इलेक्शन का बहिष्कार करते हैं। आने वाले टाइम में हम बीजेपी सरकार को दिखा देंगे कि ये जनशक्ति क्या चीज है और जनशक्ति के साथ धोखा देना क्या चीज है। हम धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो भी हमारे बच्चों को घर करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मीडिया भी जो सरकार है उसके साथ मिली हुई है, अधिकारी भी उनके साथ मिले हुए हैं। मैं जानता हूँ इस वीडियो का, शायद वो लोग हमें कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं देंगे, लेकिन हमारा कहने का हक है, हम कहेंगे। और हम एक एक अधिकारी से कहना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कार्रवाई होनी चाहिए तो आइए हमारे साथ, हमारा साथ दीजिएगा, वरना हमें भी पता है कि इस वीडियो को डालने का शायद कोई फायदा भी नहीं होगा। और कोई अधिकारी या कोई भी चाहे वो बीजेपी का आदमी हो चाहे कोई अधिकारी हो, हमारा साथ नहीं देगा, क्योंकि सच का साथ कोई देता ही नहीं है। अगर हिम्मत हो तो सामने आइए। और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी को पता चले कि आज की सरकार कितनी भ्रष्टाचारी हो चुकी है, कितने धोखाधड़ी सरकार हो रहा है। के टू के हर घर से चार चार पाँच पाँच वोटे पड़ी है तराजू के निशान पे भाई बृजेश्वर त्यागी जी को, लेकिन वो वोटे हमारी कहाँ गई उसका जवाब हमें चाहिए। पूरे क्षेत्र में चार रिपोर्ट पड़ी है, पूरे क्षेत्र में चार वोट।